गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल बीएनएस मेडिको। गाइस बहुत ही ज़्यादा कमेंट आ रहे थे आप लोगों के और डिमांड में था कि कॉलेज की फ़ीस क्या है, कितनी कट ऑफ है इस बार और पिछली बार कितनी गई थी, हॉस्टल है कि नहीं है, और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन थे जो आप लोगों के मन में थे। तो मैंने सोचा एक प्रॉपर वीडियो इसके ऊपर बना दूँ, जिससे कि आपको बार बार मुझे दिक्कत होती है बताने में, क्योंकि मैं बहुत बार कमेंट में बता चुका हूँ, पर जैसे जैसे नए लोग जुड़ेंगे उनको भी बताना पड़ेगा। तो गाइस ये भी मैं आया हूँ कॉलेज में, क्योंकि मैथ्स का टाइम था खाना खाने का, संडे को यहाँ आता हूँ क्योंकि यहाँ पे बढ़िया छोले भटूरे रायता चावल मिलता है मस्त एकदम से। तो अभी फ़िलहाल तो हॉस्टल में जा रहे हैं और वहीं चल के आगे बीट। तो गाइस आ चुके हैं ऊपर थर्ड फ्लोर पे, तो यहाँ पर आपको सेफ फ्लोर पर रूम ले सकते हैं, और ये पीछे देख सकते हैं बहुत ही ब्यूटीफुल सीन, यहाँ पर धान की खेती हो रही है पीछे। हॉस्टल तो आपने पहले भी देखा होगा। तो गाइस ये रूम के बाहर का नज़ारा, तो हॉस्टल कैसा है क्या क्या चीज़ें यहाँ पे अलाउ हैं, तो हम सब पूछेंगे अपने फ्रेंड से जो कि हॉस्टल में रहता है। तो चलिए पूछते हैं अभी तो फिलहाल। अभी उन लोगों का रूम में दिखा नहीं सकता क्योंकि थोड़ा उनके कपड़े वगैरह डले हैं, ऐसे ही सब कर पड़ा है सामने। तो गाइस ये रहा रूम, अब आपको दो पंखे मिलेंगे कि हाँ एक यहाँ, उसके हिसाब से आपको ये कबर्ड मिलेगी, और इसके जस्ट पीछे साइड वहाँ पे कुंडी लगी एक्चुअली इसमें। तो फ्लोर पर बच्चे रहते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड पर, और फर्स्ट ईयर में कंपलसरी है हॉस्पिटल, सॉरी फर्स्ट ईयर में कंपलसरी है हॉस्टल। अभी यहाँ पर थोड़ा बहुत कम फ्लोर ऊपर बच्चे रहते हैं, तो ये दो ही लोग रहते हैं बस केवल, यहाँ पर टीम रहते हैं, यहाँ पर इससे दिक्कत होती है थोड़ी सी, अगर सारे बच्चे साथ रहते तो अच्छा रहता है रहने के लिए। दो ही फ्लोर बस हम दो बच्चे ही रह पाते हैं, सारे रूम खाली पड़े हुए हैं। हॉस्टल प्रेशर नहीं कर, बहुत लोगों ने कम करा हॉस्टल प्रेशर, क्योंकि बच्चे पास के सभी बच्चे हैं, मेरी बुआ जी रहती, इस वजह से मैंने नहीं करा, पर वो थोड़ा वहाँ से दूर पड़ता था, इस वजह मैंने रूम ले लिया। पर अगर आप यहाँ आएंगे तो आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि टेंटिंग पेंटिंग होने वाली है अभी, और लड़कियों के लिए बहुत ही अच्छा हॉस्टल बना है। फिलहाल मैंने तो नहीं देखा है अंदर से, पर मैंने वीडियो में देखा है, वीडियो में देखा है, क्योंकि मेरे एक सीनियर है उनका भी यूट्यूब चैनल है, तो उन पर मोस्टली फैशन का ही ब्लॉग डालती रहती हैं वो, बट उन्होंने एक वीडियो बनाई थी उसके हॉस्टल टूर के ऊपर, तो मैंने देखा था, हम लोगों ने सबने देखा था। तो थोड़ी जलन तो होती है आकर के, मतलब लड़कियों का इतना अच्छा है और लड़कों का थोड़ा कम, भी ठीक है वैसे, इंडिपेंडेंट है, सही है, और पीछे का आप नज़ारा देखिए सब कुछ। सुबह यहाँ उठोगे आप देखेंगे ग्रीनरी बहुत अच्छी है यहाँ पे, आसपास पूरी हरियाली है, सामने थोड़ा ये गांव है, ये कौन सा गांव है, डुंगरावली, ये डुंगरावली गांव है, और उधर पीछे की साइड पड़ता है पूरे, और ये पूरे हॉस्टल फ्लोर वगैरह सब आर ओ वगैरह, वो देखिए आप सामने आर ओ लगाए हैं, और इस पर और भी जस्ट वाई फाई लगाया कुछ दिनों पहले, तो पूरे वाई फाई का आनंद लेते हैं, वाई फाई का यूज़ कर रहे हैं, तो डाटा की कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही बढ़िया सिस्टम है सब। तो ये देखिए गाइस ये है, स्वच्छ सुलभ शौचालय, सब कुछ दिखाना जरूरी रहता है, क्योंकि हम आपको धोखा नहीं दे सकते हैं, जो चीज़ है सामने वही आपको दिखाएंगे, अदरवाइज मैं आपसे वीडियो में कुछ और बोलूँ और जब आप आएँ तो आपको कुछ और मिले, तो ये मेरा मानना नहीं है। रलंग के साहब की दाढ़ी बहुत बड़ी हो चुकी है, उसको थोड़ा कम करवा लीजिए, पूरे भालू लग रहे हैं। तो गाइस यहाँ पर जो है हॉस्टल फर्स्ट ईयर वालों के लिए कंपलसरी है, उसके बाद सेकंड ईयर थर्ड ईयर में आप एडजस्ट कर सकते हैं मैम से बोल के। फिलहाल तो सभी मेरिट्स के लोकल्स के थे, तो इस वजह से हो नहीं पाए, और सीटें ही बहुत कम थी, इस बार 30 सीटें थी, कुछ रीज़न की वजह से नहीं हो पाई, पर इस बार पूरी 60 होंगी, तो अच्छा है अगर आप साथ रहते हैं 4-5 बच्चे तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। और यहाँ पर आपको यंग सीनियर मिल जाएंगे यहीं पर, आप उनको जरूर बॉस बुलाइएगा। फिलहाल तो अभी एक लोग है तो सो रहा है अभी नीचे, एक लोग थोड़ा रूम में आराम कर रहा है, और अभी मैं थोड़ा खाना खाना है, तो मैंने कहा वीडियो बना दूँ, आपकी बहुत डिमांड आ रही थी। इसके बाद कट ऑफ के बारे में बात कर लेते हैं हम। कट ऑफ पिछली बार मैं शायद में गई थी 250 नंबर से लेकर, जो हमारा लास्ट एडमिशन हुआ था नेटवर्किंग का, वो था 524 नंबर में, तो उसकी बहुत ही अच्छी रैंक थी, और 524 नंबर तक यहाँ पर हमको सीट मिली थी। ही रहते हैं तो लास्ट में भी 300 प्लस तक नंबर आएंगे आपके, तो सही है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं फीस स्ट्रक्चर के बारे में, क्या है फीस, कितनी क्या लगती है। तो गाइज इसकी फ़ीस है 2,04,600 पर ईयर, पर ईयर आपको लगती है इसकी, और हॉस्टल अगर आप रहते हैं तो 75,000 है,
पर ईयर का, उसमें आपको सब सुविधाएं मिलेंगी ए टू जेड, मैस वगैरह सब उसी में इंक्लूड होगा आपका, और बहुत से गार्डन वगैरह भी हैं यहाँ पर, गार्डन तो नहीं है फिलहाल, बहुत बड़ा फील्ड है। और पिछली वीडियो आपने देखा कि जो कॉलेज भी एम एस वाली, वहाँ पे भी हम लोग क्रिकेट वगैरह खेल लेते हैं, पर अभी ये साफ हो रहा है तो फुटबॉल वगैरह के लिए बहुत अच्छा ग्राउंड वगैरह है, और बास्केटबॉल भी यहाँ पर आप खेल सकते हैं, पीछे की साइड बनाया कोर्ट, बैडमिंटन वगैरह सब भी खेल सकते हैं, सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं है खेलने के लिए। और ये भी इस बार मेरे हिसाब से कट ऑफ, मतलब मैं पूरा एग्जैक्ट तो नहीं कह सकता, पर अप्रॉक्स यही जाएगी, थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है 10-20 नंबर का, और 300 से लेकर ऐसे ही कुछ 500 के आसपास अगर हो जाएगा एडमिशन, क्योंकि हम लोग जब काम से कराने गए थे तो बहुत सारी सीटें एकदम से जल्दी से भरी थी हमारे कॉलेज की। पिछली बार ना कुछ कॉलेजों को सुप्रीम कोर्ट था ना, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अप्रूवल नहीं मिला था, तो इस वजह से ये कॉलेज भी जल्दी भर गया था, पर हो सकता है अभी कुछ मिल गया वो अप्रूवल या ना मिला हो, इसका तो मैं कुछ कह नहीं सकता फिलहाल में, तो फिलहाल तो अभी काउंसलिंग के लिए डायरेक्ट बुलाया गया था, ऑफलाइन काउंसलिंग हुई थी, और ऑनलाइन अगर होती तो बहुत ही जल्दी हो जाता क्योंकि वहाँ ऑफलाइन में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो फिलहाल तो ये बात की बात है, मैं आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगा कैसे क्या आपको भरना है और आपको अच्छे से बता देंगे कैसे क्या करना है। तो गाइस चैनल का सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और ऐसे ही सपोर्ट आ रहे हैं, हमारी 200 मेंबर की फैमिली पूरी कंप्लीट हो चुकी है, और आपने अगर सपोर्ट करा तो हम बहुत ऊपर तक जाएंगे गाइस, बिल्कुल सपोर्ट करिए, आगे तक बढ़ जाए, इनके चैनल पे मिलियंस व्यू आ रहे हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। बस कॉलेज थोड़ा सा दूर है जस्ट बॉयज हॉस्टल से, तो गाइस ये है सामने, तो गाइस ये रहा सामने बॉयज हॉस्टल, और यहाँ से देख सकते हैं अब ये पूरा फील्ड है खेलने के लिए बच्चों के लिए, तो पानी की वजह से इसमें अभी घास भर गई थी, सभी सफाई हुआ है इसका बढ़िया सा, यहाँ पे अपन फुटबॉल कुछ भी खेल सकते हैं, फुटबॉल क्रिकेट बैडमिंटन कोर्ट, तो बैडमिंटन का कोर्ट वो पीछे साइड में है, और उसके जस्ट सामने उधर मैच की तरफ, वहाँ पे मैच की तरफ, और वहाँ मैच की तरफ पे बास्केटबॉल वगैरह भी खेल सकते हैं, और थोड़ा लड़कियों का हॉस्टल अच्छा बना है अभी, थोड़ा यहाँ से जस्ट थोड़े से दूर पर हॉस्टल है, तो मैं जा रहा हूँ वापस से, और बहुत से लोगों के कमेंट थे कि कितनी फीस इसकी है, तो मैंने बता दिया ऑलरेडी, और अगर आपने वीडियो नहीं देखी है मैंने कॉलेज का टूर करवाया था तो आप वो देख लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, और इंस्टाग्राम पर भी अपन जो फॉलो कर सकते हैं, कोई भी क्वेरी हो मुझे वहाँ पर डीएम कर सकते हैं या नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं अगर फ्री हुआ तो ज़रूर आपको उसका रिप्लाई करूँगा। और गाइस अभी थोड़ी बात कर लेते हैं इसके बारे में कि ये कहाँ पर है, तो ये जो हरिद्वार और दिल्ली वाला मेन हाईवे NCR वहाँ पर पड़ता है, तो गाइस स्कॉलरशिप के बारे में बात करते हैं, तो अगर गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूव होती है स्कॉलरशिप आपको मिलेगी ज़रूर, आप ऑनलाइन करिएगा क्योंकि मैं अभी करूँगा, थोड़ी वेबसाइट वगैरह इसका प्रॉब्लम आ रही है, खुल नहीं रही है वेबसाइट का सर्वर, अभी थोड़ा डाउन चल रहा है, तो जैसे ही अगर आती है स्कॉलरशिप तो आपको ज़रूर मिल जाएगी गवर्नमेंट की तरफ से, और हाँ मिलती है लोगों को, क्योंकि तो मैंने सीनियर से पूछा था कि क्या स्कॉलरशिप मिलती है, उन्होंने बोला कि हाँ मिल जाती है, फॉर्म भरोगे आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी। रही बात एग्ज़ाम वगैरह की, तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन का क्या था, क्या पैटर्न वैसा है, तो हम अभी देंगे तो जानेंगे, फिलहाल तो अभी सीनियर के पेपर हुए हैं जस्ट, और पूछ रहे थे कुछ लोग कि एग्ज़ाम कैसा होता है, किस लैंग्वेज में होता है, तो यार उसमें आयुर्वेदिक और मॉडर्न पोर्शन दोनों अलग अलग हैं, आयुर्वेद वाले पोर्शन में आपको हिंदी लिखना पड़ती है, और मॉडर्न में आपको मॉडर्न के हिसाब से ही लिखना पड़ता है, पर थोड़ा फ़र्क ये है कि आप आयुर्वेद वाले पोर्शन में श्लोक वगैरह भी याद करके जाने पड़ते हैं आपको, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है श्लोक। तो गाइस फिलहाल तो आ चुके हैं रोड पर, क्योंकि मैं रूम पर वापस जा रहा हूँ, तो मैं आप लोगों का कमेंट ही पढ़ रहा था, सोचा और दो चार क्वेश्चन का आंसर दे दूँ, तो उसमें जो इससे में जो एडमिशन होता है वो स्टेट कोटा के थ्रू होता है, क्योंकि जो फर्स्ट राउंड में जब ऑल इंडिया काउंसलिंग होती है सब गवर्नमेंट कॉलेज आते हैं, पर ये मेरा कॉलेज प्राइवेट है, इस वजह से यहाँ पर स्टेट कोटा अगर आप सिलेक्ट करते हैं तो अगर आपका नंबर आता है तो आपका एडमिशन हो जाएगा, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। तो गाइस मैं वापस आ गया अपने रूम पे, और लोगों ने ऑलमोस्ट आपके सभी क्वेश्चनों का आंसर दे दिया है, अगर आपके मन में भी कोई क्वेरी रह गई है वो आप मुझे इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हैं, अगर कमेंट करके पूछ सकते हैं, फिलहाल तो आप पेपर की ध्यान दीजिए, अभी आपका जल्दी पेपर आने वाला है, तो गाइस सभी को ऑल द बेस्ट, अच्छे से करके आइए पेपर, एंड कॉलेज एडमिशन लेना वो तो बात की बात है, पहले आप पेपर पर करके आइए, ऑलमोस्ट मैं वीडियो बना दूंगा उसके बाद कैसा क्या प्रोसीजर वगैरह एडमिशन का, तो गाइस प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।